बट एक्ने उन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ों में से एक है जो आपका उठना बैठना तक बहुत मुश्किल कर देते हैं, यहाँ तक कि ये आपकी बेडरूम लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जहाँ फेस पर मुहासे होना एक आम बात है, वहीं कुछ लोगों को हिप्स पर भी ये समस्या हो ही जाती है। बट एक्ने लाल छोटे छोटे दाने होते हैं और बालों के रोम की सूजन के कारण होते हैं, जिन्हें फॉलिकुलाइटिस कहा जाता है। बट एक्ने के पीछे ईस्ट, बैक्टीरिया और खुजली ये मुख्य कारण होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बहुत बेहतरीन उपाय बताऊंगी जिसकी मदद से आप बट के एक्ने, फोड़े, फुंसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी हिट करना है, ऑल पर क्लिक करना है ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो रेमेडी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ये 3 स्टेप्स की रेमेडी है। ये तीनों स्टेप्स आपको बखूबी अच्छे से समझने हैं। 3 स्टेप की रेमेडी को लगातार आपको 21 दिन तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले स्टेप में आपको लेना है एक बाउल में या किसी बर्तन में, टब में आपको गुनगुना पानी और साथ ही में लेना है सेंधा नमक। आपको गुनगुना पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितनी आपको नीड है उतना लेना है, और उसके अंदर सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक मतलब रॉक सॉल्ट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सेंधा नमक का मीनिंग, उनको नहीं पता। रॉक सॉल्ट होता है जो हम घर में, आप नॉर्मली जो नमक इस्तेमाल करते हैं, सी सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करना, रॉक सॉल्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो जितना पानी आप देख रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच सेंधा नमक जो है वो मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुनगुने पानी, अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि इसका आगे इस्तेमाल क्या करना है। अभी तक आप वीडियो में बने हो, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरी इस वीडियो को पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी इसके अंदर देखिए नमक पूरा घुल चुका है और अब थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कटोरी पानी अलग कर लीजिए, ठीक है। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे 2nd स्टेप में बताऊंगी। अब ये जो पानी हमारे पास है, सेंधा नमक मिला हुआ, गुनगुना पानी, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ठीक है, ये ले लीजिए। और साथ ही में ऐसा कोई कपड़ा ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, साफ़ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। उसको पानी के अंदर ऐसे भिगोएं, उसके बाद ऐसे निचोड़ें, ठीक है। और जहाँ पर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है हिप्स के एरिया पे, वहाँ पर पिंपल्स के ऊपर आपको सेकाई करनी है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको सेकाई करनी है, ठीक है। ऐसे रखिए, हटा दीजिए, फिर से पानी का करिए, इसमें निचोड़िए, फिर इस कपड़े से आप सेकाई कीजिए, ठीक है। सेकाई करने से पानी वाले और पस वाले जो दाने होते हैं ना वो बैठने लगेंगे, ठीक है। आपको रगड़ रगड़ के सेकाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लाल लाल छोटे छोटे दाने हों या पस वाले दाने हों, उनके ऊपर सिर्फ आपको सेकाई करनी है, ऐसे आराम से, ऐसे 10 मिनट तक इस तरीके से सेकाई करनी है। फिर से इसमें पानी में भिगोइए, निचोड़िए और सेकाई कीजिए लगातार 10 मिनट तक। सेंधा नमक मैंने इसलिए इसमें मिलाया क्योंकि सेंधा नमक कई तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। आप ये रेमेडी अच्छा होगा रात को सोने से पहले कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा असर आपको दिखेगा। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रात को सोने के टाइम जब आप ये रेमेडी करेंगे तो सोते वक्त आपको ढीला ढाला पजामा पहनना है। आप दिन में करेंगे तो जल्दबाजी में करेंगे, आपको कहीं बाहर जाना होगा, ढीले ढाले कपड़े या पजामा टाइप आप नहीं पहन पाएंगे। रात को आपको ये रेमेडी के बाद, जो पूरे 3 स्टेप बता दूँगी उसके बाद, रात को अंडरवेयर पहन के नहीं सोना है, चाहे ये लड़के उपाय कर रहे हों या लड़कियाँ उपाय कर रही हों, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि रात को ही ये रेमेडी कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपको वो जो हमने सेंधा नमक वाला पानी अलग करवाया था उसे लेना है, साथ ही में एक ले लेना है इस तरीके की कटोरी। ज़रूरी नहीं है कांच की हो, स्टील की भी चलेगी, लकड़ी की भी चलेगी, प्लास्टिक की भी चलेगी, ठीक है। ये ले लेना है,
फिर हमें लेना है चंदन पाउडर, सैंडल वुड पाउडर, ठीक है, किसी भी अच्छे ऑर्गेनिक ब्रांड का एक चम्मच हमें चंदन पाउडर ले लेना है, ठीक है। फिर हमें लेना है साथ ही में नीम पाउडर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ऑर्गेनिक नीम का पाउडर या नीम की पत्तियां लेके आइए, उनको धोइए, सुखाइए, पीस के नीम का पाउडर बना के घर में रख लीजिए। तकरीबन उतना ही हमें नीम का पाउडर लेना है और इसका हमें बनाना है एक पैक। पैक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ये जो पानी मैंने अलग करवाया था सेंधा नमक वाला, वो ठीक है। उतना मिक्स करिए जितना कि हमारे पास एक पैक की कंसिस्टेंसी का यहाँ पे बन जाए, जैसे फेस पैक लगाते हैं ना, वैसे ही पैक की कंसिस्टेंसी का यहाँ पे हमारे पास बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पानी मैं आपको बता रही, ज़रूरी नहीं है कि गुनगुना हो, ठंडा हो चुका होगा, कोई बात नहीं, आप यही पानी मिक्स कीजिएगा। अगर पहले अलग करना भूल गए तो थोड़ा सा नमक मिला के एक पानी आप तैयार कर लीजिएगा। चंदन पाउडर इसलिए बता रही क्योंकि जहाँ पे आपको दाने निकले हो सकते हो, दाने क्यों निकले आपको हिप्स के एरिया पे, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो गई होगी, जिस स्किन पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बैठते हैं तो हिप्स के एरिया पे जो है रगड़ ज़्यादा लगती है तो वो जगह गर्म हो जाती है तो दाने निकल आते हैं, तो चंदन पाउडर वहाँ के एरिया पे आपको ठंडक देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नीम का पाउडर इसलिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करेगा, ठीक है। इस तरीके का लेप तैयार कर लेना है और जहाँ पर आपके बट एरिया पे दाने हैं उसके ऊपर ये लेप को आपको लगाना है, ठीक है। आपको 15 मिनट तक लगाना है, 15 मिनट के बाद हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के, हल्के हाथों से मल मल के आपको पानी, नॉर्मल पानी से धो देना है। अब स्टेप 3 में हमें लेनी है एक ऐसी ही कटोरी, कांच की कटोरी, स्टील की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले एलोवेरा जेल, अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल। आपके घर में प्लांट है तो प्लांट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन किसी ब्रांड का लेंगे तो अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। साथ ही में हमें लेना है कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, हमेशा वो पुराने ज़माने से यूज़ होने वाला पैराशूट का कोकोनट ऑयल उठा लेते हैं। जी नहीं, वो वाला आपको पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, आप बालों में लगाइए लेकिन अपने स्किन पे अप्लाई मत कीजिए। स्किन के लिए हमेशा आपको एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल लेना होता है, वो भी अच्छे ब्रांड का। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मेरिट का, वाओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी का होता है। तो यहाँ पर आपको तकरीबन एक चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें करना है अच्छे से मिक्स। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये धीरे 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 क्रीम की कंसिस्टेंसी बन जाएगा। ये देखिए बन गया क्रीम की कंसिस्टेंसी। इसको और शेक करेंगे, ये बन गया क्रीम की कंसिस्टेंसी। अब ये सीखे कि ये क्रीम किन्हें इस्तेमाल करना और कहाँ लगानी है। आपके हिप्स का एरिया सिर्फ और सिर्फ दानों से भरा हुआ है, मोटे मोटे गंदे दाने हो गए हैं, पीले पीले, तब ये क्रीम अप्लाई मत कीजिएगा, पहले के दो स्टेप फॉलो कीजिएगा। लेकिन कई आपके आपके हिप्स के एरिया पे, आपके टांगों पे, आपकी बॉडी पे, फेस पे नहीं, आपकी बाकी बॉडी पे कहीं दाने हुए, सूख गए, ठीक हो गए लेकिन धब्बे छोड़ गए, तो ये क्रीम अप्लाई कीजिएगा। आपके हिप्स के एरिया पे दाने दाने भी हैं और धब्बे भी हैं तो धब्बे धब्बों वाली जगह पे ये लगाइएगा। स्टेप 2 के बाद एरिया को सुखा लीजिएगा, उसके बाद ये क्रीम लगाइएगा, ठीक है। तीनों स्टेप्स में मैंने आपको जो जो बताया है सारी चीज़ें फ्रेश बनेंगी, फ्रेश ही लगानी है, फ्रेश बनानी है, फ्रेश ही लगानी है, बना बना के नहीं रखना है। इनके अंदर किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव केमिकल नहीं है जो आप स्टोर करके रख लेंगे, ख़राब हो जाएगा, स्टोर किया हुआ इस्तेमाल करेंगे तो और एलर्जी हो जाएगी। तो आपको फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही लगाना है। तो ये थी दोस्तों आज की रेमेडी तीनों स्टेप की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तीनों स्टेप आपने अच्छे से समझ ली है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप मुझसे किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर दे के जाइएगा इस वीडियो को, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।
मेरे चैनल पर ऐसी बहुत बेहतरीन होम रेमेडीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।